हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुमित तारशीर्ष में। मैं सुमित आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि एडीबी ड्राइवर को प्रॉपर कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर एडीबी ड्राइवर को इंस्टॉल करना बताऊँगा और जो डेवलपर लोग यूज़ करते हैं वो वाला ड्राइवर आपको डाउनलोड करना बताऊँगा। क्योंकि जो हम आप काफ़ी सारे डाउनलोड किए होंगे, आप जो सर्च करूँगा आपके सामने जैसे एडीबी ड्राइवर, ओके, तो फॉर विंडो 10, 11 और 7 जो भी आप डालना चाहो। देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है एडीबी ड्राइवर के यहाँ पे आ जाते हैं सेटअप, तो हमें इनमें से कोई डाउनलोड नहीं करना, कोई भी इंस्टॉल नहीं करना, ये कोई प्रॉपर नहीं। तो मैं आपको डेवलपर वाला डाउनलोड करके दिखाऊंगा और सिंपल इसे ये मतलब प्रॉपर वे से और अच्छे से कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम अपना जो ड्राइवर है वो डाउनलोड करते हैं। उसके लिए मैं सिंपली गूगल पे ये सब सर्च ना करके आपको सिंपली सर्च करना है एडीबी ड्राइवर सेटअप। ठीक है, मैं सारा ये बैक करके सेटअप करता हूँ। सेटअप पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखिए आपके सामने एक यूनिवर्सल एडीबी ड्राइवर आएगा। मुझे इसे नहीं इंस्टॉल करना है। आप नीचे देख सकते हो जो फोरम xda.developers.com, ठीक है, इस वाले से आपको डाउनलोड करना है। ये डेवलपर लोगों की वेबसाइट है, जो जैसे कोई भी डेवलपर है वो यहाँ से इस साइट पे कनेक्ट रहते हैं, वहाँ पे लॉग इन रहते हैं। ठीक है, तो उनके पास जो भी टूल होते हैं वो यहाँ पे वो अपलोड करते हैं। तो उनका टूल है, आप इस पे लॉग इन रजिस्टर करना चाहते हैं, आपको इसमें क्या क्या मतलब फ़ायदे हो सकते हैं इस वेबसाइट पे, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मैं आपको इसका भी वीडियो लेके आऊँगा और उसके बारे में मतलब ये जो आपकी वेबसाइट है जो आप देख रहे हो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं। आज का टॉपिक जो एडीबी ड्राइवर का है तो हमें इंस्टॉल करना है। आपको सिंपली नीचे चले आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको एक यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा। ठीक है, ये डाउनलोड जो वर्जन है यहाँ पे आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, तो आपको लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। और अदर यहाँ पे गूगल ड्राइव ये लिंक एक्सपायर हो गए, जो भी यहाँ पे लिंक अवेलेबल हो। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिंक अवेलेबल हो उस पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं अपना फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करता हूँ। मैं जैसे ही लिंक पर क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। इसलिए मेरा जो ड्राइवर है वो डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद देखिए मेरे सामने इसका जिप फाइल जो है ओपन होके आ गया है। ठीक है, ये जिप फाइल आ गया, इसका सेटअप आ गया। अब मैं जो वो लोग यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मैंने यूट्यूब पे देखा तो उन्होंने बताया कि आप इसे देव MGMT मतलब जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं डिवाइस मैनेजर होते हैं वहाँ से आप इंस्टॉल करो, वो सब आपको काफ़ी मतलब हार्ड लगेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सेटअप मिल जाएगा, आपको डबल क्लिक करना है सेटअप पे और सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना। कैसे इंस्टॉल करना है अब थोड़ा सा वीडियो है आप देख लो। आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है डू यू इंस्टॉल एडीबी एंड फास्ट बूट ड्राइवर। ठीक है, तो आपको वाई पे क्लिक करके एंटर कर देना है, फिर वाई ये आप यहाँ पे इंस्टॉल एडीबी सिस्टम वाइड, तो ये वाई एंड वाई का मतलब यस या नो, तो मुझे यस करना है। ठीक है, वाई यस। उसके बाद ये डू यू वांट टू इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर्स, यस और इंस्टॉल, ये देखिए ऑल डन। यहाँ पे मेरा जो एडीबी ड्राइवर है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। आप अपना यूएसबी लगा के आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगी। मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है और यहाँ पे आपको आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि इससे इसका जो वर्क होगा। मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं जिससे मैं इसे कनेक्ट करके दिखाऊं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए वीडियो के साथ में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।